नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। भारतीय रुपया आज पहली बार 80 रुपए प्रति डॉलर के स्तर तक गिर गया है। बता दें कि ये रुपये का अब तक का सबसे निचला स्तर है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का सिलसिला कई दिनों से लगातार जारी है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 80 के ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक स्तर तक फिसल गया। आज सुबह डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की गिरावट के साथ 80.05 के स्तर पर खुला। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे की गिरावट के साथ 79.98 के स्तर पर बंद हुआ था। जानकारी के मुताबिक कारोबार के दौरान सोमवार को ही इसने 80 का स्तर पार किया था। रुपए के लिए 80 एक मनोवैज्ञानिक स्तर था। जानकारों का कहना है कि अब रुपए में भारी गिरावट संभव है, ये फ्री फॉल की तरफ बढ़ रहा है। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि दिसंबर 2014 के बाद रुपये में अब तक 25% की गिरावट आ चुकी है। इसके लिए उन्होंने दो महत्वपूर्ण फैक्टर को जिम्मेदार बताया है, पहला क्रूड ऑयल का भाव और दूसरा यूक्रेन और रूस का युद्ध। बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बाद ही क्रूड ऑयल के भाव में तेजी आने लगी और ये $140 प्रति बैरल के स्तर तक आ पहुंचा। भारत जरूरत का 85% तेल आयात करता है, ऐसे में क्रूड का भाव भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में RBI ने भारतीय मुद्रा में मजबूती लाने के लिए कहा है कि अब इंटरनेशनल ट्रेड रुपए में किए जाएंगे, यानी कि अब तक इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में किए जाते थे, अब उन्हें रुपए में करने का फैसला किया गया है। हालांकि अभी ये बात सिर्फ कही गई है, इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से डॉलर समेत अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए को मजबूती आएगी, जिससे आयात सस्ता होगा। रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा कि बैंकों को ये व्यवस्था लागू करने के पहले उनके विदेशी मुद्रा विभाग से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। इससे एक फायदा ये भी है कि इस फैसले से लंबे समय में भारत की डॉलर पर निर्भरता घटेगी, साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से होने वाली आर्थिक चुनौतियों से भी निपटना आसान हो जाएगा। तो फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।